जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2020 से जुड़ी एक बड़ी खबर लेकर आए हैं, जहां क्रिकेट जगत के एक बेहतरीन खिलाड़ी ने ये बात साफ कर दी है कि अगर बिना दर्शक के भी आईपीएल होता है तो हमें कोई चिंता की बात नहीं है। वह बेहतरीन बल्लेबाज हैं इंडियन टीम के, अजिंक्य रहाणे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, इससे पहले हमें देखने को मिला था हार्दिक पांड्या जी का एक ऐसा मैसेज जिसमें उन्होंने बताया था कि अगर आईपीएल बिना फैंस के यानी बिना ऑडियंस के ग्राउंड में होता है तो हमें इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले हमारे दीवानों के यानी हमारे फैंस के लिए स्वास्थ्य की बात आती है। ऐसे में अजिंक्य रहाणे जी के भी इस मैसेज में हमें देखने को मिला है, जहाँ उन्होंने बताया कि अगर बिना प्रशंसकों के यानी बिना फैंस के आईपीएल कराया जाए तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होने वाली है, क्योंकि उन्होंने एक लंबा चौड़ा मैसेज भी दिया है जहां वे बताते हैं कि जहां तक आईपीएल और बाकी खेलों की बात है तो मुझे लगता है कि ये बिना दर्शकों के यानी बिना फैंस के भी खेला जा सकने वाला खेल है। हम सभी ने खाली स्टेडियम में कई ऐसे मैचेस, कई ऐसे घरेलू क्रिकेट खेले हैं। यह अनुभव सभी खिलाड़ियों को है, यानी कि सभी खिलाड़ियों को इस बात का भी अनुभव है कि बिना फैंस के भी हम मैच खेल सकते हैं, जहाँ पे अपना बेहतरीन से बेहतरीन प्रदर्शन दे सकते हैं। लेकिन हाँ, जाहिर सी बात है कि हम अपने फैंस के बिना कुछ नहीं हैं, और इसलिए अगर हमारे लिए उनकी सुरक्षा सबसे पहले आती है, क्योंकि कोरोना वायरस के बारे में आप लोग जानते ही होंगे किस प्रकार से, कितनी तेज़ी से फैल जाता है। जब अगर किसी व्यक्ति को हो तो दूसरे व्यक्ति तक पहुँचने में से ज़्यादा समय नहीं लगता, अगर उसके पास 2 गज की दूरी के अंदर बैठा हुआ। तो आप ऐसे में देखते होंगे ऑडियंस के अगर सीटों पर नज़र डालें तो एक के साथ एक चिपकी हुई होती है, जहाँ पर कोरोना वायरस फैलने का खतरा काफ़ी रहता है। तो उन्होंने बताया कि मुझे लगता है कि अगर मैच होता है तो वो अपने घर से भी मैच देखेंगे, तो ये उनके लिए काफ़ी अच्छा अनुभव होगा। साथ ही साथ वे बताते हैं कि हमारे फैंस की सुरक्षा अहम है, और साथ ही साथ अगर खाली स्टेडियम में खेलना पड़े मैच तो हम इसके लिए कभी भी तैयार हैं। लेकिन देखना बेहद दिलचस्प होगा आईपीएल फ्रेंचाइजी की तरफ से ये आदेश कब जारी होते हैं कि आईपीएल बिना फैंस यानी ऑडियंस के हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि आईपीएल की डेट आगे कब तक के लिए है ये कुछ कहना संभव नहीं है। लेकिन देश में लॉकडाउन कब तक के लिए है वह भी कुछ कहना संभव नहीं, क्योंकि अभी तक 3 मई तक की बात थी, अब 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में कब कौन सा बड़ा फैसला सरकार ले ले ये कुछ कहना संभव नहीं है, जहाँ पे लोगों का स्वास्थ्य सबसे पहले आता है। इसी बीच शुरुआत में आईपीएल के 13वें सीजन की बात करें तो 29 मार्च की तारीख तय थी, लेकिन 15 अप्रैल तक जब बढ़ाया गया इसकी तारीख को तो वही लॉकडाउन की भी तारीख बढ़ती गई, इसके चलते आईपीएल की तारीख भी टलती जा रही है। तो ऐसे में उनके फैंस यानी आईपीएल के फैंस और सभी दीवाने यही चाहेंगे कि इस लॉकडाउन के समय अगर कोई मनोरंजन का साधन बन सकता है रामायण के बाद तो वो है क्रिकेट जगत का आईपीएल टूर्नामेंट, जिसका सभी दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है, और हम सभी को भी इतने दिनों से इंतजार है कि आईपीएल की घोषणा कब होती है कि बिना ऑडियंस के होगा, क्योंकि जहां तक की खबरों की माने तो बिना ऑडियंस के ही 2020 आईपीएल कराना हो सकता है संभव। अगर आपको लगता है कि बिना ऑडियंस के आईपीएल हो सकता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। स्पोर्ट्स की खबर के लिए आज के लिए इतना ही, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद दोस्तों।